ये लाम मगड़ है, लाम मगड़, लाम मगड़ है सबसे भयंकर लैंडस्लाइड जोन है। सनराइज का कुछ मजा ही कुछ और है पहाड़ों में। चारों ओर छोटे छोटे पहाड़ ये, और बीच में खूबसूरत सूरज की किरणें, बहुत खूबसूरत सनराइज होता है। हेलो गाइज, दिस इज आदि उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल मैं पहुंचा था दौराहाट, मुझे बहुत से बहुत से रात को 8 बजे थे, और ट्रैक करते हुए मैं अपने पहुंचा गांव। और जो आज का प्लान है, आज का प्लान है बद्रीनाथ जाने का मेरा। तो अभी मैं दौराहाट में हूँ और मैं आज जाऊँगा बद्रीनाथ। देखते हैं कैसा रास्ता है बद्रीनाथ का और कैसा वहाँ का मौसम है, क्योंकि अभी है अक्टूबर 23 आज की डेट है, और वहाँ कुछ दिन पहले बर्फ़बारी भी हुई है। रोड का ये पता नहीं कि खुली है कि नहीं खुली है, लेकिन मैंने जाना है उधर, तो चलते हैं बद्रीनाथ की ओर। जी विशाल, चलो हम निकल गए बद्रीनाथ की ओर। फिर दौराहाट में, दौराहाट से जो डिस्टेंस है करीब 200 किलोमीटर तो होगी। अभी देखते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, मैंने कभी ओके ध्यान से पढ़ा नहीं, आज पहली बार पढ़ रहा हूँ बोर्ड को। देखते हैं कितना किलोमीटर लिखा हुआ है डिस्टेंस। मार्केट भी ज़रा खुली नहीं है। मार्केट आगे खुली नहीं है, थोड़ा बहुत सामान खरीदना था, अभी ऐसा कुछ है नहीं। पर्पज मार्केट आगे दिखाई दे रहा है। शुभम का एक्चुअली बेल्ट लेनी है, वो अपनी बेल्ट लाना भूल गया। हम लोग एक ही बाइक में दोनों लोग जा रहे हैं। कल तो आए थे अलग अलग बाइक से, लेकिन आज एक ही बाइक में दोनों लोग जा रहे हैं। ये बद्रीनाथ 225 किलोमीटर है, यहाँ से ये लिखा है ना, बद्रीनाथ 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर की डिस्टेंस आज के दिन पूरी करनी है हमने। मार्केट अभी खुली नहीं है, बेल्ट कहाँ मिलेगी, बेल्ट मिलेगी नहीं। ये है आपके चकुटिया रोड, ये चकुटिया पे चलेगी, इसी यही रोड जाएगी बद्रीनाथ से। आपने दूरी तय कर ली है, वो करीब 20 किलोमीटर हम लोग पहुँच चुके हैं चकुटिया। एक सुंदर ब्रिज, और नीचे देखिए नदी बहरी है, रामगंगा नदी। देवभूमि आगमन पर व्यापार संघ जैसे आपका स्वागत है। प्रयाग है 49 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 177 किलोमीटर। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको गैरसैंड की। ये उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी थी, जिसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हुए, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन विधानसभा भवन यही है, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो है दिवाली खाल पे, काफ़ी सुंदर इलाका है। कुछ 8-9 दुकान है यहाँ पे, ज़्यादातर फूड की दुकान है, और दौराहाट से मेरे दूरी तय की वो करीब आपके 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, और वहाँ से था 225 किलोमीटर यानी कि 172 किलोमीटर और जाना है। तो ब्रेकफास्ट हमने किया था नहीं, तो ब्रेकफास्ट मेरी माँ ने भी भेजा था बना के, और पहले मैं अकेला आया था, अभी बाद में शुभम ने भी ज्वाइन किया है। पिलन पे पीछे राइड कर रहा है बैठ के, बैग उसने भी अपनी पीठ पे लगाया हुआ है, और मेरी मम्मी ने बना के दिया था, और वो शुभम की मम्मी ने बना के दिया था। तो एक को हम लंच में खाएंगे,
और एक को खाएंगे अभी ब्रेकफास्ट पे। और साथ में हमने लिए हुए यहाँ पे ये काले चने और भांग की चटनी। ये पीछे शॉप है आंटी की, पूरा जो इन्होंने जितना है खाना बनाया हुआ है आग में बनाया हुआ है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है। चलिए हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। यहाँ एक विश्व का सिर्फ एक मंदिर, कर्ण का मंदिर, जो पांडवों के भाई थे कुंती पुत्र कर्ण महादानी, जिन्हें इतिहास में जाना गया। और यहाँ पर होता है दो नदियों का संगम, एक अलकनंदा है और दूसरी है पिंडर नदी। अलकनंदा निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से और पिंडर नदी आती है पिंडारी ग्लेशियर से। और यहीं से हम लोग जा सकते हैं केदारनाथ, ऋषिकेश, दोनों यहाँ से जा सकते हैं। और इस साइड से हम इस पुल को क्रॉस करके चले जाएंगे बद्रीनाथ जी की ओर। मैं सोचा था कि रोड की कंडीशन आगे वैसी होगी, इससे मैंने आगे सही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ पूरी रोड ही ऑफ रोड है यार भाई साहब, बड़े बड़ी बड़ी दिक्कत है। एक अगर सिंगल बंदे हम आए होते अपनी बाइक पर तो दिक्कत नहीं थी, अभी दो जने हैं, कहीं ग्रिप अच्छा मिल रहा है दो जनों में, गाड़ी का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, गाड़ी थोड़ी धक्की चलती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कर्णप्रयाग से अभी तक हमको एक अच्छी रोड नहीं मिली है, करीब वहाँ से 15-20 किलोमीटर रखी है मैंने ऑफ रोड चला दी बाइक, और ऑफ रोड जो कंडीशन है बाइक की अभी देखो अभी भी आगे रास्ता वैसा ही है। उम्मीद ही नहीं है कहीं कहीं की अच्छी रोड आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। मैंने बहुत भयंकर बहुत ज़्यादा मटी है तो कहीं पे तो पहाड़ कटे हुए हैं पूरे, ये देखिए काफ़ी निकालता हूँ साइड कीचड़ है बहुत ज़्यादा। उसके बाद इधर जाननी पड़ेगी थोड़ी सी, पूरी रोड ऐसी है थोड़ा ऑफ रोड है, पत्थर रहता है तो दिक्कत दे रही चलाने में। अभी क्या है कि मड ज़्यादा है, मड में गाड़ी स्किड होने की है, तो गाड़ी एबीएस है लेकिन फिर भी स्पीड तो हो ही सकती है। अभी थोड़ी सही, अब रोड कहीं कहीं बीच में सही भी है, कहीं बीच में ख़राब भी है। मतलब अगर मान लो आप कि करीब ख़राब 60% ख़राब है, 40% होते हैं ये सब गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। अच्छा यहाँ पर काम चल रहा है कुछ रोड पर, लगता है हमको भी इंतजार करना पड़ेगा। जेसीबी की खुदाई चल रही है, जेसीबी की
तो उसे इंतजार करना पड़ेगा यहीं पर ही। कैसे रोड चले गई तुंगनाथ की ओर को, जो रोड नीचे जा रही है वो तुंगनाथ जा रही है। चौक था तुंगनाथ, आप यहाँ से जा सकते हैं चमोली से नीचे को। कैसे रोड जा रही है, वो जा रही है बद्रीनाथ को। माना गांव 98 किलोमीटर। ऐसे रही तो हम पहुँच पाएंगे नहीं, पहुँच पाएंगे ऐसा लगे ना, क्योंकि अभी 25 किलोमीटर हमने चल लिया तो 105 किलोमीटर और बचा होगा। 1 बज रखा है, अगर शाम के 5-6 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, लेकिन शाम को फिर ठंडा हो जाता है, अंधेरा भी आता है, दिन दिन में सफर पूरा करना है। आगे विश्वनाथ सेवा लगी है ना भाई साहब, आज ऑफ रोड में ज़्यादा चला के पिछवाड़े हो गए हैं सुन बिल्कुल। अभी मैं बैठा हुआ रोड के किनारे, खड़ी है बाइक, सारा सामान निकाल के यहाँ पे ये बैठा हुआ, पत्थर है देखो तबड़ा एक। मज़ा आया, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है ऑफ रोड में, लेकिन बाइक ही है, सफ़र तो दुखदाई हुआ ही थोड़ा बहुत। अगर मंजिल हसीन होगी तो सफ़र कैसा भी क्यों ना हो चलता है। फिलहाल अभी मैं हूँ जोशीमठ से करीब 30 किलोमीटर दूर, और बद्रीनाथ की दूरी बची है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करना 2 घंटे लगेंगे, और अभी बजे हैं शाम के 4, यानी 6 बजे तक मैं। ज़बरदस्त ब्रिज है, जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ओम नमः शिवाय, वेलकम टू विष्णु प्रयाग गाइड ग्रुप, जेपी ग्रुप, जेपी ग्रुप का एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है। बद्रीनाथ है 35 किलोमीटर, गोविंद घाट है 10 किलोमीटर, यानी ये दो मोटन चलते बाड़ी।
भाई गाइडर को चाहिए क्या होता है, व्यू चाहिए होते हैं बस, हो गया, अच्छे व्यू मिल जाए, अच्छे रोड मिल जाए और क्या चाहिए। गगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 10 किलोमीटर, बद्रीनाथ 9 टाइम जो देखो आप भयंकर। ये लामबगड़ है सबसे भयंकर लैंडस्लाइड जोन है। बद्रीनाथ का रास्ता इसी की वजह से थोड़ा बंद रहता है। देखिए आप ऊपर बाहर देख रहे हो, इतना भयंकर है, अंधेरा भी बहुत हो गया। गाड़ी पिकअप ही मेरी है, शाम को आना काफ़ी रिस्की है। जब भी आप आओगे ना शाम के टाइम पे, जाने होते पहले पहुँचना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रोड भी थोड़ी समझ में नहीं आती है और ये एरिया जो है बहुत ज़बरदस्त है। अरे फिर गाड़ी कर लीजिए, देखो पूरा व्यू। अब पता नहीं अंधेरा हो गया आपको, दिखाई नहीं रहा लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। गाड़ी फर्स्ट गेयर में ही चल रही है, सेकंड गेयर में चढ़ी नहीं रही है। एक भी अपने आप काम कर रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, नीचे बह रही अलग गंगा नदी, इसमें पानी कम है, ऊपर डैम है, वो सुखा हुआ डैम है, उसकी वजह से पानी की कमी है। गाड़ी पिकअप ही मेरी है, चल ही नहीं पा रही है। देखो भयंकर कितने भयंकर लग रहा है, पत्थर आ रखे रोड के ऊपर, ऐसा लग रहा है भाई साहब डर बहुत लग रहा है गर्म से, कितना डर लग रहा था गर्म से। और माणा पास कितना, तो माणा गांव 13 किलोमीटर, माणा पास भी है, कस्तूरी भी है। मेरे को पूरा अंधेरा हो गया, एक तो गाड़ी की ना लाइट का फोन नहीं आ रहा मेरे को, सही ढंग से इसका उजाला हो रहा नहीं रहा। आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा नहीं वीडियो में, आज के टाइम पे दोस्तों नाइट मोड में मैंने डाला नहीं था, लेकिन रोड बड़ी सही है, रोड सही है, रोड की कंडीशन बहुत बेहतर है यहाँ पे, तो रोड सही तो सही है। अभी देखो 38 की स्पीड मिली है, फोर्थ गियर डाला हुआ, ऑलमोस्ट दूर दूर तक कोई रोड में मिल भी दिख भी नहीं रहा। अंधेरा भी हो गया, ठंडा भी बहुत होता है यार यहाँ, ठंडे की वजह से भी प्रॉब्लम आई। देखो पिकअप ही मेरी गाड़ी, अब सेकेंड गेयर डाला मैंने, अब जाऊँगा थर्ड गेयर। ये बिल्कुल देखो यार बिल्कुल ठप होगी, ऑप्शन की कमी की वजह से ना, जहाँ पर कुछ देर तक मोशन बन जा रहा है वहाँ पर तो चले जा रही है आराम से 30-40, लेकिन जहाँ पर मोशन नहीं हो पा रहा तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग बद्रीनाथ। कल सुबह कराऊंगा आपको दर्शन बद्रीनाथ के। अभी ये लिया है हमने रूम, मंदिर समिति वाले रूम दे रखा है, 400 रुपीज का है ये रूम, 400 रुपीज चार्जेस का, डबल बेड है और गीजर लगा हुआ है। खाने आने की फैसिलिटी शायद है नहीं यहाँ पे, खाना तो क्या हमारे पास है, ये लोग रसोई बनाते हैं ना, ताकि मतलब अगर हम लोग को खाना खुद बनाना तो इस रसोई में खाना बना सकते हैं, अपना गैस चूल्हा लेके आते हैं लोग बाग बहुत सारे साथ में कैरी करते हैं तो उसमें। और ये इसका वॉशरूम, गीजर लगा हुआ है, ठीक है एक रात काटने का सीख है, 400 रुपये में क्या मिलता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में,
अगर आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत मेहनत से बना रखा है, और लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको ऐसे ही एडवेंचर वाली जगह पर लेके आता हूँ, कल सुबह कराऊंगा आपको दोबारा मंदिर के दर्शन। तब तक के लिए अलविदा।